आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लाल टेन के 600वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। विपक्ष अगर कमजोर है तो सत्ताधारी निरंकुश हो जाते हैं, ये कई सदियों से बात कही जाती आई है, कई दशकों से ये बात कही जाती आई है। आज राहुल गांधी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी अपने व्यवहार, आचार, निर्णय, अपनी भाव भंगिमाएं, इसके कारण सदा से चर्चा में रहते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के खाते में कम से कम एक बात बड़ी उपलब्धि है, वो उपलब्धि क्या है ये अब हम आपको आगे बताएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं और पार्टी कई बार टूट हुई है पार्टी में, पर ये पार्टी में टूट पिछले 10 सालों में राहुल गांधी के रहते हुए नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है। लगभग आधी सदी से पहले कांग्रेस ने जब सिर्फ 154 सीटों पर परचम लहराया था, उस वक्त इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, वे कांग्रेस को टूटने से नहीं बचा पाई थी। इससे उलट 2014 में 44 और 2019 में के आम चुनावों में सिर्फ 52 सीटों पर परचम लहराने के बाद भी कांग्रेस जर्जर जरूर हुई है, पर जर्जर महसूस हो रही है, किंतु कांग्रेस टूटन से बची हुई है। कांग्रेस के नेताओं में भले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने की होड़ मच चुकी हो, पर कांग्रेस के विभाजन की स्थिति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी के लिए सुखद संकेत माना जाएगा कि इसे माना जा सकता है। इतिहास पर अगर गौर फरमाया जाए तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल दो दलों में कांग्रेस बट गई थी, इसे सूरत विभाजन भी कहा गया। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस सबसे ज़्यादा कांग्रेस में फूट पड़ी, आज़ादी के बाद की बात, आज़ादी के उपरांत 2016 तक कांग्रेस छोड़ने वाले नेता 61 नई राजनीतिक पार्टी आरंभ कर चुके हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने 1951 में 3 नई पार्टी खड़ी की थी। इतिहास अगर आप देखेंगे, इसमें जीवट राम कृपलानी ने किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी, तंगुतुरी प्रकाशम ने और एनजी रंगा के द्वारा हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी, और नरसिंह भाई ने सौराष्ट्र खेदूत संघ नाम से अलग अलग राजनीतिक दल आरंभ किए। इसमें हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी का विलय किसान मजदूर प्रजा पार्टी में हो गया, और बाद में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का विलय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सौराष्ट्र खेदूर संघ का विलय स्वतंत्र पार्टी में हो गया था। इतिहास कंगालने पर आप पाएंगे कि आज़ादी के 8 सालों के उपरांत 1956 से 1970 तक 12 नए दलों का गठन हुआ। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सी राजगोपालाचारी ने 1956 में पार्टी छोड़ दी थी। नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना उन्होंने, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, अलहदा बात है कि उनकी पार्टी सिर्फ चेन्नई, जो मद्रास था आज का चेन्नई, तक ही सीमित रही। हालांकि इसके बाद राजगोपालाचारी ने एनसी रंगा के साथ 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर ली थी। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें विलय कर दिया गया था। वहीं स्वतंत्र पार्टी का फोकस बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मद्रास, वर्तमान का चेन्नई, इस पर केंद्रित रहा। 1974 में स्वतंत्र पार्टी का विलय भी भारतीय क्रांति दल में हो गया था। इसके अलावा 1964 में KM जॉर्ज ने केरल कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया था। हालांकि बाद में इस पार्टी से निकले नेताओं ने अपनी 7 अलग अलग
पार्टी खड़ी कर ली 1966 में कांग्रेस छोड़ने वाले हरे कृष्णा मेहताब ने। ओडिशा जन कांग्रेस की स्थापना की, इसका बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। कांग्रेस में एक समय ऐसा भी आया जब कांग्रेस की आयरन लेडी मानी जाने वाली, कांग्रेस की पहचान होने वाली इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से बाहर, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये बात 12 नवंबर 1969 की है। उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया था। इंदिरा गांधी के ऊपर बड़े गंभीर संगीन आरोप लगे थे, अनुशासन भंग करने का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस पार्टी की नींव रखी और इस नई पार्टी को कांग्रेस आर नाम दिया गया। इंदिरा गांधी से मत भिन्नता और विवाद के चलते ही के कामराज और मोरारजी देसाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक अलग पार्टी बनाई। बाद में इस पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर दिया गया था। इसके अलावा 1969 में ही बीजू पटनायक ने उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस, उत्कल आपने नाम सुना होगा, रेलगाड़ी का नाम उत्कल, उत्कल कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में मैरी चैनर रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति का गठन किया। इसी तरह 1978 में कांग्रेस ने कांग्रेस आर छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया 1978 में। इसे तत्काल उस समय कांग्रेस आई, उस समय उस वक्त इसे आई मतलब इंदिरा के नाम से पुकारा जाता था, इसका नाम दिया गया। एक साल बाद 1979 में देवराज अर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यूआरएस अर्स पार्टी का गठन किया। हालांकि देवराज अर्स की पार्टी अब अस्तित्व में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में फूट इसके बाद भी थम नहीं सकी। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा इसके एक साल बाद, ये 98 की बात, 1999 में कांग्रेस के छत्रप शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक अनवर ने कांग्रेस से विद्रोह कर एक नई पार्टी का गठन किया और वो NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका नाम दिया गया। इसे NCP या हिंदी में राकापा के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस में अंतिम फूट 2016 में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नाम से एक नया दल गठित किया। 2016 के बाद भले ही कांग्रेस को जनाधार वाली पार्टी कहा जाता हो किंतु केंद्र में उसे बहुमत हासिल नहीं हो पाया। इसके बाद एक कांग्रेस के हाथ से राज्य भी फिसलते गए, कांग्रेस के पास राज्य भी नहीं रह गए। कांग्रेस में स्थिरता कायम रही ये बात है। पिछले 8 सालों में कांग्रेस के कोई भी दो फाड़ नहीं हुए। 2016 के बाद कोई फाड़ कांग्रेस का नहीं हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि जिसे जाना हो जाए, जिसे रहना हो रहे। ये राहुल गांधी पिछले कई बार आपने सुना होगा, कई दिनों से ये बात कह रहे हैं। इसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से पलायन करने का सिलसिला थमा नहीं, पर कांग्रेस नहीं टूटी। राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस की कमान प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर संभालने के बाद कांग्रेस का आम कार्यकर्ता उनके साथ शिद्दत के साथ, उसी शिद्दत के साथ खड़ा है जैसे वो बहुत पहले से खड़ा, और इसे बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जा सकता है। पिछले 2 दशकों में राहुल गांधी के द्वारा किए गए तमाम प्रयोगों के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आस्था आज भी कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनमें वैसी ही दिखाई देती है जैसी पहले थी। 2014 के आम चुनाव के पहले तक कांग्रेस का जलजला केंद्र के नेता, केंद्र में और राज्यों में देखते ही बनता था। 10 सालों में कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी बहुत ही रहस्यमय मानी जा सकती है। कांग्रेस के नेता आम जनता के हितों की बातें सड़कों पर तो करते नजर आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहते हैं कि सड़कों पर कांग्रेस के नेता जनता के हित की बात करते हैं, पर लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा जो सक्षम मंच है, जब वहाँ पर बात आती है तो
वे उनके द्वारा यहाँ पर विरोध के नाम पर बहिर्गमन करके बहुत आसान अस्त्र अपनाया जाता है बहिर्गमन का, और अपने जनता से द्वारा जो जनादेश मिला उस जनादेश को का सम्मान भी नहीं करते हैं। होना ये चाहिए कि बहिर्गमन के बजाय नेताओं को अपनी बात सदन में वजनदारी से रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ बात रिकॉर्डेड होती है, ऐसा नहीं होता। सियासी पंडित इस बात पर भी आश्चर्य करते नजर आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिनके चलते 2014 में सिर्फ 44 और 2019 में सिर्फ 52 सीटों पर परचम लहराने के बाद भी कांग्रेस के अनेक धुरी थामे नेताओं के बहुत सारी धुरियां हैं उसके बाद भी कांग्रेस टूटन से कैसे बच गई, आखिर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ उस तरह का ज्वार क्यों नहीं उठा जो ज्वार इंदिरा गांधी के खिलाफ उठता हुआ दिखाई दिया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भरोसा राहुल गांधी पर आज भी उसी तरह कायम है जिस तरह पहले कायम था। इंदिरा गांधी के द्वारा जब सख्त रवैया अपनाया गया था तो उनके करीबी उन्हें छोड़कर चले गए थे। कमोबेश आज यही आलम राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है। अनेक विश्वस्त और नज़दीकी लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई भी नहीं पड़ते। सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वक्तव्यों को जिस तरह एडिट कर कथित तौर पर एडिट किया जाता है, जिस तरह से काट कर दिखाया जाता है, उसकी काट के रूप में कांग्रेस के आईटी सेल आक्रामक रुख अख्तियार अब तक क्यों नहीं कर पाई, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। कांग्रेस की आईटी सेल आखिर काम किसके लिए कर रही है, छवि निर्माण किसका कर रही है, आखिर क्या वजह है कि जिला स्तर के नेता हैं उनके द्वारा सीधे सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जाता है, जबकि उनका दायित्व अपने स्थानीय विधायक या सांसदों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, पर वे आपसी सौहार्द सद्भाव बनाकर रखते हैं और सीधे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिन तक उनकी बात नहीं पहुँचनी है उनके बारे में वे चर्चा करते हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व की कार्यप्रणाली, उसकी किचन कैबिनेट, विरोध समर्थन आदि पर अगर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से राहुल गांधी अब तक का कार्यकाल उन सभी जो इनके पहले हुए हैं उनसे बहुत बेहतर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी के लालटेन के 600वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है, आप इसे जरूर देखें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 601वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत देना चाहेंगे। जय हिंद।